दोस्तों, अगर आपके पास मात्र 15 मिनट का वक्त है ना, तो भी आप प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो भी इनका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो ऐसी जगह का सिलेक्शन करें जहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप आरामदायक कपड़े पहने हुए आरामदायक आसन में, सुखासन में इस तरीके से बैठ जाएं। फिर उसके बाद गहरी लंबी सांसें नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ना शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस नाक से लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे 5 times। इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। 1 more time। एक बार और गहरी लंबी सांस ले नाक से और मुंह से सांस छोड़े। तो ऐसा 5 times हमने प्रैक्टिस कर लिया। इससे इंस्टेंटली हम एक रिलैक्सिंग इफेक्ट महसूस करते हैं अपनी बॉडी में। अब हमने इंस्टेंट रिलैक्सेशन महसूस कर लिया है। सबसे पहले अब हम अभ्यास कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग का, बेली ब्रीदिंग का, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। इस ब्रीदिंग का अभ्यास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थ्रू आउट द डे अनकॉन्शियसली हम सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको बड़ी छोटी लेते हैं, बड़ी शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो इस तरीके की ब्रीदिंग से हमारे लंग्स के जो लोअर लोब हैं वहाँ तक हम इस इन्हलेशन को महसूस करेंगे, जिससे हमारी एब्डोमिनल मसल्स एक्सपैंड होंगी, पूरे पेट पर सांस भरेंगे और सांसों को फिर धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में सांसों को लेना, रोकना और छोड़ने का अभ्यास करेंगे। ऐसा करने से हमारी ब्रीदिंग तो डीप होगी ही होगी, साथ ही जो इन्हलेशन और एक्सहलेशन के बीच में जब सांसों को रोकते हैं तो उससे गैसों का जो एक्सचेंज है वो हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरीके से होता है। एक एक सेल्स तक बहुत अच्छी तरीके से प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आप इस तरीके से क्रॉस लेग पोजिशन पर बैठे हुए दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लें, आँखों को बंद कर लें, अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ें, चिन मुद्रा लगाए हुए चेहरे को एकदम रिलैक्स करें, चेहरे पर कोई भी टेंशन ना रखें। अब मुंह को बंद रखें, गहरी लंबी सांस नाक से लें, ली हुई सांस को पूरा पेट तक भरें, सांसों को रोक लें और फिर धीरे धीरे सांसों को नाक से छोड़ दें। आपके समझने के लिए मैंने अपने राइट पाम को अपने पेट के ऊपर रख लिया इस तरीके से। गहरी लंबी सांस ले रहे हैं 1, 2, 3, 4। पूरी सांस पेट पर भर गई, पेट गुब्बारे की तरह फूल गया बाहर की तरफ, सांसों को रोक लिया 1, 2, 3, 4। अब सांसों को नाक से ही छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। इसका अभ्यास आपको 5 मिनट करना है। पहले कुछ राउंड इसी रेशियो में अभ्यास करते हैं, 1:1:1, 4 काउंट तक सांस लेना, 4 काउंट तक सांसों को रोकना और 4 काउंट तक सांसों को बाहर छोड़ना। चलें 5 मरतबा इसका अभ्यास। आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें 1, 2, 3, 4, पेट पूरा फूल गया है और सांसों को रोकें 1, 2, 3, 4। अब सांसों को नाक से ही छोड़ें 1, 2, 3 और 4। गहरी लंबी सांस लें, बेली आउट, सांसों को रोकें और सांसों को नाक से ही छोड़ दें। 2 बार और गहरी लंबी सांस लें, इनहेल, बेली आउट, सांसों को रोक लें और सांसों को छोड़ दें। अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, आंखों को बंद रखें। जो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास किया है इसकी जानकारी बना के रखें। शांत बैठे हुए चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखें, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें।
अब हमने डीप बेली ब्रीदिंग का अभ्यास 1:1:1 के रेशियो में कर लिया। ऐसा अभ्यास वो लोग करेंगे जो कंप्लीट बिगनर है, अभी सांसों पे इतना कंट्रोल नहीं है, सांसों को ज़्यादा देर तक रोकने में या छोड़ने में घबराहट हो रही है। कुछ हफ्ते, 1 या 2 हफ्ते ऐसा अभ्यास करने के बाद आपकी ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सांसों को ज़्यादा लंबा देर तक रोकना है और छोड़ना है। तो आप रेशियो क्या लगा सकते हैं, 4 काउंट तक सांस लेना, 8 काउंट तक सांस रोकना और 8 काउंट तक सांसों को छोड़ना। 4 इनहेलेशन, 8 रिटेंशन और 8 एक्सेलेशन। किस तरीके से अभ्यास करेंगे, ज़रा मेरे साथ अभ्यास करें। आँखों को बंद कर लें, अपने राइट पाम को चाहे तो बेली में रख लें या अपने हाथ को घुटने के ऊपर ही रखे रहने दें, ये ऑप्शनल है। जब आप हाथ को रख लेते हैं तो पेट का एक्सपेंशन आपको अच्छी तरीके से महसूस होता है। एज यू इनहेल बेली गोज आउट, 1, 2, 3, 4। रिटेन योर ब्रेथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और सांसों को धीरे धीरे अपने नाक से ही छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से चलें 3 बार और इसका अभ्यास करते हैं। सांस लें गहरी लंबी, आंखों को बंद कर लें, ध्यान को अपने पेट पर लाएं। इनहेल, रिटेन योर ब्रेथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लोज योर माउथ एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। बेली गोज इन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पूरा पेट पिचक जाए अंदर की तरफ। इनहेल, बेली गोज आउट। रिटेन, सांसों को रोके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस को छोड़े धीरे धीरे, पेट को खाली करें, पेट का पिचकना महसूस करें। योर बेली गोज इन 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 इन, एक्सहेल कंप्लीटली। 1 मोर टाइम, इनहेल, पेट पर सांस पूरी भर ली, पेट गुब्बारे की तरह फूल गया, सांसों को रोक लिया। अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, आँखों को बंद रखें और अभी डीप बेली ब्रीदिंग का जो अभ्यास किया है इसके इफ़ेक्ट को जानें। अगले 1 मिनट तक आँखों को बिना खोले शांति से बैठे रहें। अब हम अगले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं जिसका की नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम उन सभी लोगों को करना चाहिए जिनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत वीक है, मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है, कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत लेज़ी महसूस करते हैं, और उन लोगों को नहीं करना चाहिए। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अल्सर की समस्या है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, तो इसका अभ्यास या तो ना करें और अगर करें तो एक गुरु की निगरानी में इसका अभ्यास करें। तो अब भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हाथ की हथेलियों को इस तरीके से खोलें, उंगलियों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें और सांस लेते हुए दोनों हाथों को छत की तरफ ऐसे उठाएंगे और क्रॉस लेग पोजीशन पर बैठे हुए सामने देखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ऐसे मुट्ठियां बनाएंगे और दोनों हाथों को नीचे की तरफ ऐसे पुल करेंगे। सांस लेंगे इनहेल और सांस छोड़ेंगे एक्सहेल। इसका अभ्यास आपको 3 सेट करना है और इन 3 सेट में आप 10 के रिपीटेशन, 20 के रिपीटेशन या 30 के रिपीटेशन कर सकते हैं। अभी मैं ऑन एन एवरेज 20 रिपीटेशन के 3 सेट का अभ्यास करूंगी, साथ में आप भी मेरे साथ अभ्यास करें। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें, 1, 2। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको सांस लेना और सांस छोड़ना रैपिड करना है, मीन्स जल्दी जल्दी करना है इसका अभ्यास, इनहलेशन और एक्सेलेशन। अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, आँखों को बंद रखें और शरीर को बिना हिलाए डुलाए शारीरिक और मानसिक सभी परिवर्तनों को जानें। भस्त्रिका का अभ्यास करने के बाद शांत बैठे रहें, बिल्कुल भी शरीर को ना हिलाएं डुलाएं, कम से कम 30-60 सेकेंड ऐसे शांत बैठे रहेंगे और अपने ध्यान को अपने फोरहेड रीजन पर लेके आएंगे और जो कुछ भी बदलाव हुए हैं उनकी बस जानकारी बना लें।
चलें सेकेंड राउंड फिर से भस्त्रिका का अभ्यास। अगर आप 20 काउंट के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो इसको घटा लें, 10 काउंट्स तक करें, 10 रिपीटेशन तक करें, और अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 30-40 भी कर सकते हैं। फिर से गहरी लंबी सांस लें, और सांस लेना और छोड़ना नाक से ही होगा, एक्टिव इनहलेशन एक्टिव एक्सहलेशन, एंड सांस छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त आप अपने मुंह को बंद रखें और सांस का लेना और छोड़ना दोनों नाक से ही होगा। सांस लेते और छोड़ते वक्त अपने चेहरे को रिलैक्स रखें और अभ्यास जारी रखें। फिर से शांत बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद रखें, अपने ध्यान को अपने माथे पर, अपने फोरहेड रीजन पर लेके जाएं। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, सहज स्वाभाविक सांसों को ऑब्जर्व करें। इस वक्त सांसों को ना तो गहरा खींचें, ना छोड़ें, ना रोकें, जैसी सांस आएं, जैसी सांस जाएं, उनकी जानकारी बस बना के रखें। चलें फिर से एक बार और गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5। भस्त्रिका का अभ्यास करते वक्त आपके शरीर पे किसी भी तरीके की ना तो टेंशन हो, ना तो आपके चेहरे पर किसी भी तरीके की टेंशन हो, आराम से अभ्यास करें। हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, आंखों को बंद रखें और अगले 30 सेकेंड या 1 मिनट तक शांति से बैठे रहें। जब तक इस प्राणायाम का प्रभाव आपको महसूस हो तो शांति से बैठे रहें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद अपनी आँखों को तुरंत बिल्कुल भी ना खोलें, शांति बनाए रखें। अब हम अगले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसका कि नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम में ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ के अभ्यास करेंगे। अपने लेफ्ट हाथ से चिन मुद्रा अडॉप्ट कर ली, इसको घुटने के ऊपर रख लिया, राइट पाम से हमने विष्णु मुद्रा लगा ली, इस तरीके से छोटी मुट्ठी बना ली और अपने छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से उठा लिया। राइट थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, ऐसे ऐसे, और फिर लेफ्ट से सांस लें, 1, 2, 3, 4। लेफ्ट को बंद कर लें और राइट को खोलें और राइट से सांस छोड़ें, 1, 2, 3, 4। फिर से राइट से सांस लें, राइट को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। ये हुआ एक चक्कर। इसका अभ्यास कम से कम आपको 5 मिनट तो हर रोज़ करना चाहिए। इस प्राणायाम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं और इसको किसी भी वक्त आप अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में एक तरीके का इक्विलिब्रियम या समता आप महसूस कर सकते हैं। आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या, आपके ब्रेन को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन देता है इस तरीके का अभ्यास। तो आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास हर दिन ज़रूर करना चाहिए, मिनिमम 5 मिनट तो आपको करना चाहिए। तो अभी जो मैंने ये रेशियो बताया, 4 काउंट सांस लेना, 4 काउंट तक सांस छोड़ना, फिर 4 काउंट तक राइट से सांस लेना और 4 काउंट तक लेफ्ट से सांस को छोड़ देना, ये एक चक्कर हुआ। कुछ दिन तो आप रेशियो 1:1 का ही अभ्यास करेंगे। कुछ हफ्तों के बाद, 1 या 2 हफ्ते के बाद, आप जितनी सांस लें उसे लंबी सांसें छोड़ें। 3 काउंट तक सांस लिया है, 6 काउंट तक सांस छोड़ें। 4 काउंट तक सांस लिया है, 8 काउंट तक सांस छोड़ें। 5 काउंट तक सांस लिया है, 10 काउंट तक सांस छोड़ें। चलें तो अभी हम 1:1 के रेशियो में अभ्यास कर रहे हैं 5 राउंड्स। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, कंधों को रिलैक्स रखा है, कान कंधे से दूर है, लेफ्ट से सांस लिया, 1, 2, 3, 4। लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस छोड़ें धीरे धीरे, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ दें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें। 2 बार और, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। 1 बार और, लेफ्ट से सांस लें और राइट से सांस छोड़ दें
राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस छोड़ दें। हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, आंखों को बंद करे हुए 1 मिनट तक शांति से बैठें। तो ये अभ्यास मैंने आपको बताया जिसमें हमने सांसों को रोका नहीं है, बहुत सिंपल अभ्यास किया, 4 काउंट तक सांस लिया, 4 काउंट तक सांस छोड़ा, फिर 4 काउंट तक सांस लिया और 4 काउंट तक सांसों को छोड़ दिया। जब कुछ दिनों के बाद आप अभ्यास करना चाहें तो किस तरीके से इसका अभ्यास 4 काउंट तक इनहलेशन और 8 काउंट तक एक्सहेलेशन का अभ्यास करेंगे। तो किस तरीके से, अपने राइट नॉस्ट्रल से सांस लेना है, 1 2 3 4, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लीजिए अपनी राइट से, 1 2 3 4, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ 1 चक्कर, ऐसे 5 चक्कर और अभ्यास करते हैं। सांस लिया लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद किया, राइट से जितनी लंबी देर तक सांस छोड़ सकते हैं छोड़ें, धीरे 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 राइट से सांस छोड़ दिया, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस को छोड़ें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। बहुत अच्छे, एक बार और, लेफ्ट से सांस लें और राइट से सांस छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे छोड़ दें, छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ें, 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 छोड़ें। अब हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, आंखों को बंद रखे हुए अगले 5 मिनट तक शांति से शरीर को बिना हिलाए डुलाए अपनी आंखों को बंद रखें, आंखों को ना खोलें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे कंडक्ट होती हैं। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग आप योगा प्रैक्टिशनर हैं, अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो आप घबराइए नहीं, आपको क्लास में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया जाता है। आज इन योगा क्लासेस को ज्वाइन करके मेरे स्टूडेंट्स बहुत सी हेल्थ कंडीशन से उभरे हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को बहुत इंजॉय कर पा रहे हैं। अगर आप इन क्लासेस को 7 से 8 बजे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा डेवलप किए हुए कुछ योगा के कोर्सेज हैं उनको परचेज करके भी अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप इन कोर्सेज और क्लासेस के बारे में और भी डिटेल चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.yogawithshahida.com पर आप विजिट कर लें, या कि फिर आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास और कोर्सेज के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए। तो आई होप आपको मेरा प्रयास बहुत पसंद आया होगा। जाने से पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाए। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर पे आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। हर दिन योग का अभ्यास ज़रूर कीजिए क्योंकि इसी से आपको लाभ मिलेगा। अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। नमस्ते। Thank you.